Dear students, good morning. Welcome in my video lecture. Today in the class of discrete mathematics, we will discuss about the conjunction, disjunction and negation truth table. आज हम BCA के discrete mathematics के इस class में discuss करेंगे conjunction, disjunction और negation की truth table के बारे में. इनकी truth table क्या होती है और कैसे इसे generate करते हैं, construct करते हैं उसके बारे में. तो conjunction truth table की बात करें तो लेट पी एंड क्यू बी टू स्टेटमेंट्स. यहाँ हमने ये सपोज़ किया है कि पी और क्यू दो स्टेटमेंट है. यहाँ मैंने बताया था आपको अगर दो स्टेटमेंट होंगे, देखिए अगर दो स्टेटमेंट होंगे तो टू की पावर टू तो कितने हमारे ट्रूथ वैल्यूज कितनी होंगी हमारी, फोर. टू की पावर टू यानी कि फोर. तो कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द कंपाउंड स्टेटमेंट पी कंजक्शन क्यू. पी कंजक्शन क्यू के लिए हमें ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी जब आप कंजक्शन या डिजक्शन या निगेशन की बात करें. तो कंजक्शन में कंडीशन क्या होती है, कंजक्शन में कंडीशन ये होती है कि वी नो दैट पी कंजक्शन क्यू इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बी पी इज ट्रू एंड क्यू इज ट्रू. इनका कहने का मतलब है P कंजक्शन Q ट्रू होगा केवल कब, इफ एंड ओनली इफ कब, जब P ट्रू हो और Q भी ट्रू हो. P और Q यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तब P कंजक्शन Q हमेशा ट्रू रहता है. ठीक है, क्लियर. यानी कि दो अगर वैल्यू हमारी ट्रू हैं, दो स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हैं, तब हमारा जो कंजक्शन है पी कंजक्शन क्यू या पी एंड क्यू, इसे एंड भी बोल सकते हैं, पी एंड क्यू, एंड से डिनोट करते हैं ना, तो इसे हम एंड भी बोल सकते हैं पी एंड क्यू, तो वो हमारा ट्रू होगा. देखिए टेबल में एक स्टेटमेंट ये है हमारा पी, दूसरा स्टेटमेंट क्यू है. ठीक है, तो पी स्टेटमेंट है ये वन या प्रपोजिशन है और स्टेटमेंट टू. ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं तो हमने बताया था चार इनकी वैल्यूज़ होंगी, ट्रुथ वैल्यू चार होंगी. तो पहले स्टेटमेंट की दो, अगर जब चार होती हैं तो पहले जो स्टेटमेंट है उसकी दो वैल्यू ट्रू और दो वैल्यू फॉल्स होती हैं और दूसरे की दो वैल्यू ट्रू, सॉरी वन वैल्यू ट्रू एंड वन वैल्यू फॉल्स होती है. इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है अगर चार हैं हमारे पास तो पहले दो ट्रू होंगे फिर फॉल्स होंगे दो. अगर एट है हमारे पास यानी कि टू की पावर थ्री, यानी कि तीन स्टेटमेंट हैं, तब हमारे पास एट ट्रुथ वैल्यूज होंगी. तो पहले चार हमारी ट्रू होंगी एट ट्रुथ वैल्यू में, बाकी की चार हमारी फॉल्स होंगी. ठीक है, पहला स्टेटमेंट पी हो जाएगा. और इसी का क्यू की बात करें तो दो ट्रू होंगी फिर दो फॉल्स, दो ट्रू फिर दो फॉल्स, ऐसा एट हो जाएंगे. और आर तीसरा स्टेटमेंट, तो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरीके से एट का बन जाएगा. ठीक है, और फोर में क्या होगा, पी और क्यू दो दो हमारे स्टेटमेंट होंगे तो पहली ये होगी और दूसरी टी एफ, इस तरीके से हमारा ये समझाने के लिए मैंने बता दिया. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो स्टेटमेंट हैं पी एंड क्यू, तो हमारे जो ट्रुथ वैल्यूज़ होंगे वो कितनी होंगी, रोज़ कितने होंगे, फोर रोज़ होंगे. ठीक है, तो फोर रोज़ के लिए पी के हमारी वैल्यूज़, पहले फोर रो के लिए मैंने बताया था दो ट्रू दो फॉल्स पहले स्टेटमेंट के लिए पी के लिए. ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, तो दो ट्रू दो फॉल्स. और क्यू दूसरा जो स्टेटमेंट है उसके लिए वन एक ट्रू और एक फॉल्स. अब इसका एंड ऑपरेशन यानी कि कंजक्शन निकालेंगे. तो जब हमने बताया था कंजक्शन में क्या शर्त थी, शर्त ये थी कि जब P और Q दोनों ट्रू होंगे तब P एंड Q ट्रू होगा हमारा, या P कंजक्शन Q ट्रू होगा. तो T पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तब ट्रू हो जाएगा. अदरवाइज पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है ये भी फॉल्स रहेगा, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स. ठीक है, अदरवाइज ये हमारा फॉल्स रह जाएगा. तो ये टेबल है हमारी कंजक्शन की. कंजक्शन में ये ध्यान रखना है कि
जब दोनों वैल्यू यानी जितनी भी स्टेटमेंट है उनकी वैल्यू ट्रू होगी तब उसका जो कंजक्शन है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिसजक्शन ट्रुथ टेबल। डिसजक्शन की ट्रुथ टेबल के बारे में देखते हैं। एक डिसजक्शन में क्या होता है, डिसजक्शन में हमारे पास एक जो रूल होता है वो क्या होता है, इसका रूल होता है वी नो दैट पी और क्यू यानी कि पी डिसजक्शन क्यू इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ P is false and Q is false। इसमें क्या कंडीशन है कि P डिसजक्शन Q फॉल्स होगा कब, जब P और Q दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज वो ट्रू होगा। यानी कि कोई एक भी वैल्यू एक भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा तो जो उसका डिसजक्शन है वो ट्रू होगा। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल हम बनाते हैं, पहला स्टेटमेंट पी, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू दो ट्रू होंगी और दो फॉल्स। अभी मैंने बताया था दो स्टेटमेंट हैं तो टू की पावर, दो स्टेटमेंट है तो टू की पावर टू, तो ये हो जाएगा टू इंटू टू फोर। तो इसकी जो रोज़ होंगे वो कितने होंगे, फोर। तो ये फोर, पहले दो रोज़ ट्रू होंगी दो फॉल्स पहले स्टेटमेंट के लिए, और क्यू के लिए यानी दूसरे स्टेटमेंट के लिए एक रो ट्रू एक रो फॉल्स, एक रो ट्रू और एक रो फॉल्स। अब इसमें कहा गया है वी नो दैट पी डिसजक्शन क्यू इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ पी इज फॉल्स एंड क्यू इज फॉल्स, यानी कि जब पी और क्यू दोनों हमारे फॉल्स होंगे तब हमारी जो पी डिसजक्शन क्यू है या पी और क्यू है वो फॉल्स होगी, अदरवाइज वो ट्रू होगी। ठीक है, अदरवाइज ट्रू। तो फॉल्स कहाँ पर है, यहाँ फॉल्स है, यानी पी भी फॉल्स है और क्यू भी यहाँ पर फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, एक भी और दूसरे तरीके से अगर हम इसे कहें तो ये कह सकते हैं अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा हमारा दोनों में, दो स्टेटमेंट हो या तीन हो उनमें से अगर एक चार हो चाहे एक भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू मिलेगा। ठीक है, दो के बीच में निकलेगा हमेशा डिसजक्शन या कंजक्शन जो भी निकालेंगे। ठीक है, तो जब एक भी ट्रू मिल जाएगा तो वो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स रहेगी। या दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं अगर दोनों फॉल्स मिलेंगे तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगी। इसमें दोनों ट्रू मिल रहे थे तब ट्रू हुई थी, इसमें दोनों फॉल्स मिलेंगे तो फॉल्स होगा। ठीक है, ये है हमारा डिसजक्शन। अब बात करते हैं नेगेशन की। निगेशन में क्या होता है, इसका रूल क्या है कि वी नो दैट इफ स्टेटमेंट पी इज ट्रू
देन नेगेशन ऑफ पी विल बी फॉल्स एंड इफ स्टेटमेंट पी इज फॉल्स देन नेगेशन पी इज ट्रू विल बी ट्रू ओके विल बी ट्रू ये निगेशन का साइन है ठीक है डैनियल जिसे बोलते हैं डैनियल इसमें क्या होता है एक ही स्टेटमेंट होता है सिंगल स्टेटमेंट इसमें होगा क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट का जब अगर वो पॉजिटिव है यानी कि ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा इसकी टेबल देखते हैं इसमें सिंगल स्टेटमेंट होता है तो इसकी जो ट्रूथ टेबल है सिंगल स्टेटमेंट यानी 1 की पावर 2 तो कितने ट्रूथ वैल्यूज होंगे ओनली 2 होगा 1 ठीक है एक पीक है ये निगेशन पी है तो अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा और फॉल्स है तो ट्रू होगा तो ये थे हमारे तीनों कंजक्शन डिसजक्शन और निगेशन के ट्रूथ टेबल्स कल इनके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे ये इनके क्वेश्चंस जो हैं इनके जो टेबल्स ट्रूथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती हैं ओके आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही ओके थैंक यू स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके प्रॉब्लम बता सकते हैं ओके.